Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 12th. That's name is pest resistant plants. Okay, you know very well there are different kinds of pest that cause disease in a plants. Okay, and farmers use pesticides to kill or destroy these pests. Okay, but here in this topic we'll study about those plants that are produced by the help of genetic engineering. Okay, and these plants are resistant against pest. Okay, there is no need to use pesticides to kill or destroy pest in these plants. Okay, क्योंकि ये खुद जो plants हैं बेटा ये resistant हैं किसके against? Pest के against. ठीक है, ये plants बनाए जा चुके हैं by the help of scientist. ठीक है, scientist ने क्या किया है, ठीक है, कुछ genes हैं, उन genes को insert करवा दिया है इन plants के अंदर. ठीक है, अब उस genes की वजह से ये प्लांट्स कैसे बन चुके हैं, रेजिस्टेंट अगेंस्ट प्लांट्स. ठीक है, अब हमारे जो सिलेबस में है बेटा, ठीक है, वो दिया हुआ है कि एक निमेटोड है. ठीक है, निमेटोड्स दैट्स नेम इज मेलोइडी गाइनी लेकिन राउंड वॉर्म्स नहीं होते हैं, समझ रहे हो आप इस चीज को. और जो निमेटोड है, ठीक है, दे हैव अ स्मूथ अनसेगमेंटेड बॉडी. ओके, एंड दे बिलोंग टू नेमेथेलेंथीज. ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं बताइए, जो निमेटोड्स है. ठीक है, ये डिजीज पैदा करता है किसके अंदर, टबैको प्लांट रूट्स में. ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस डिजीज इज रूट नॉट डिजीज. ठीक है, क्या नाम है डिजीज का, रूट नॉट डिजीज. ठीक है, नॉट ओनली इन केस ऑफ टबैको बट इट ऑल्सो कॉज डिजीज इन ब्रिंजल प्लांट, इन टोमेटो प्लांट. ठीक है, अब क्या करता है बेटा कि जैसे ही ये इन्फेक्ट करता है टबैको प्लांट्स रूट्स को, ठीक है, तो ये जो है ना एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स. कहां से एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स, ये टबैको प्लांट रूट्स से. ठीक है, अब जब ये टबैको प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो फिर जो टबैको प्लांट रूट्स दे बिकम्स वीक. ठीक है, और जब रूट्स वीक हो जाएंगी, ठीक है, अब वो पता ना रूट्स का तो मेन रोल होता है प्लांट्स के अंदर कि जो रूट्स होती हैं दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय डिपेंडिंग ऑन सोइल. ठीक है, लेकिन जब रूट्स से ये निमेटोड, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स सक कर लेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो रूट्स बिकम वीक. ठीक है, उससे प्लांट्स का होगा, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी. ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज को. अब इसमें क्या है कि जो ये निमेटोड्स है, ठीक है, इस अब निमेटोड्स के अगेंस्ट, ठीक है, रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाया है. ठीक है, अब इसमें क्या है कि रेजिस्टेंट जो प्लांट्स बनाए हैं, ठीक है, उसका मेथड बताऊंगा आपको प्रॉपर मैं पूरा. ठीक है, लेकिन थोड़ा ये समझ लीजिए कि जो ये रूट नोड डिजीज है, ठीक है, ये इन्फेक्शन है जो ये निमेटोड्स करता है प्लांट रूट्स के अंदर. ठीक है, एंड इट ऑल्सो इन्वाइट्स सेकेंडरी इन्फेक्शन. जब ये रूट्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, जब रूट्स के अंदर रूट नोड डिजीज हो जाती है, देन दे इनवाइट्स सेकेंडरी इन्फेक्शन. फिर इसको जो है इन्वाइट करती है सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि जब ये वीक हो जाती है तो जो और माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है, वो भी मतलब डैमेज करते हैं इन रूट्स को. समझ रहे हैं आप इस चीज को. अब आपको मेन ये समझना है कि कैसे, ठीक है, कि कैसे रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाया गया है. ठीक है, अब उसके लिए आपकी चीज समझनी है, ठीक है, कि अभी जस्ट बताया था आपको मैंने कि जो ये निमेटोड्स है ब्लोटोगाइनी इनकोनिटा, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स ले रहा है कहां से बेटा, टबैको प्लांट रूट से. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद, ठीक है, इस निमेटोड्स की बॉडी में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है दे प्रोवाइड हेल्प फॉर मेटाबोलिक रिएक्शन. ठीक है, आपको पता है कि ड्यूरिंग मेटाबोलिक रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब इसने क्या किया है कि जो ये निमेटोड है इसने पहले तो न्यूट्रिएंट्स लिया है, कहां से लिया न्यूट्रिएंट्स, टबैको प्लांट रूट से. ठीक है, अब इस निमेटोड्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं,
ठीक है, दैट आर रेस्पॉन्सिबल टू दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलिक रिएक्शंस। ठीक है, अब क्या है कि इस निमेटोड की, इस निमेटोड के अंदर वो प्रोटीन बनने देना ही नहीं है। ठीक है, जब इस निमेटोड्स की बॉडी में वो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, तो फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है कहां से, टोबैको प्लांट्स रूट से, ठीक है, तो उन न्यूट्रिएंट्स का कोई यूज नहीं होगा इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, और वो क्या मर जाएगा, समझ रहे हो आप इस चीज को। ठीक है, अब इसमें क्या है आप समझे कि आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, कि जो आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है बेटा, इट ब्लॉक्स एमआरएनए, ठीक है, जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसको ब्लॉक कर देगा एमआरएनए, ठीक है, और आप बहुत मतलब समझना है इस चीज के बारे में कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है अब किस तरह बनता है, क्या है बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, अभी आप इतना समझें कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है as a method of cellular defense, जो आरएनए इंटरफेरेंस है बेटा, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ठीक है, कि आरएनए इंटरफेरेंस अगर बन जाता है, ठीक है, अगर बन जाता है, ठीक है, तो एक हेल्प करता है टू क्रिएट सेलुलर डिफेंस, ठीक है, समझ रहा है, एक डिफेंस प्रोवाइड करता है वो अगेंस्ट निमेटोड्स। ठीक है, अब आपको पता है इस चीज का, अभी जस्ट पता था आपको मैंने कि जो निमेटोड है, ठीक है, मिलोडोगाइनी इनकोनिटा, ठीक है, वो क्या है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स बाय डिपेंडिंग ऑन टोबैको प्लांट रूट्स। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि उस निमेटोड की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपको पता है इस चीज का कि प्रोटीन का बनना क्या है, बता चुका हूँ आपको मैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कि जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके अंदर क्या चलता है बेटा, ट्रांसलेशन प्रोसेस सेल्स के अंदर, ठीक है, टू प्रोड्यूस प्रोटीन। जैसे देखिए कि डीएनए है, ठीक है, डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए by the help of a process that is called transcription, ठीक है, और जब transcription से mRNA बन जाएगा, then I have told you many times mRNA acts as a master strand for translation process, okay, फिर क्या होगा बेटा, during translation process क्या बनेगी, protein is formed, ठीक है, ये चल रहा है प्रोसेस इसके अंदर निमेटोड्स के अंदर, ठीक है, उस निमेटोड्स के अंदर जो प्लांट रूट से, टोबैको प्लांट रूट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब क्या है बेटा कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस अगर वो जुड़ जाता है साथ किसके, एमआरएनए के साथ, ठीक है, तो वो एमआरएनए को साइलेंस कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, समझ रहे, मैंने बोला अभी आपको कि अगर आरएनए इंटरफेरेंस जुड़ जाता है साथ किसके, एमआरएनए के, ठीक है, तो इट ब्लॉक्स और साइलेंस एमआरएनए ऑफ निमेटोड्स। ठीक है, और जब निमेटोड्स का एमआरएनए ब्लॉक हो जाता है, देन व्हिच प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, और जब ट्रांसलेशन ही होगा, ठीक है, जब एमआरएनए ब्लॉक हो गया तो क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है, वो प्रोटीन नहीं बनेगी जो रेस्पॉन्सिबल थी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए इन केस ऑफ निमेटोड्स। ठीक है, और फिर से क्या होगा बेटा कि कुछ टाइम के बाद जो निमेटोड है वो क्या हो जाएगा, मर जाता है, समझ रहे हैं, तो ये है बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है, कि
अपने जो सिलेबस को दिया हुआ है, ठीक है, पेज नेशनल प्लांट्स कौन सा है, ठीक है, तो अब क्या मतलब कैसे बनाया जाता है, तो जैसा इस रेसिडेंशियल प्लांट्स के लिए बताया आपको मैंने कि एक निमेटोड है, ठीक है, निमेटोड्स जो बिलोंग करते हैं निमा थैलमेंटीज से, ठीक है, निमेटोड का नाम क्या बताया आपको मैंने, मिलोडी गाइनी इनकोनीटा, ठीक है, जो रूट नोट डिजीज कर रहा है किसके अंदर, टबैको प्लांट्स के, अपने सिलेबस पर टबैको दिया हुआ है, बट आप यू शुड नो दैट इट ऑल्सो कॉज रूट नोट डिजीज इन ब्रिंजल इन टोमेटो ऑल्सो, ठीक है, अब बताया कि जो रूट्स में इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन, तो क्या करता है उस दौरान ये, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय डिपेंडिंग ऑन रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, क्रैक्स बन जाती है रूट्स के पास, ठीक है, मतलब रूट्स वीक हो जाती है, क्रैक्स बन जाती है, ठीक है, और फिर इट इनवाइट्स सेकेंडरी इन्फेक्शन, जब रूट्स वीक हो जाती हैं, क्रैक पड़ जाते हैं इनके अंदर, ठीक है, जब ये क्रैक हो जाती हैं तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी इनवाइट करती है कि जो और माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया फंगी वगैरह, ठीक है, उनको इनवाइट करती है कि भाई हमें और इन्फेक्ट करो, ठीक है, समझ रहे हैं कि भाई पहले से तो रूट्स वीक हो गई हैं, ठीक है, अब जो पहले से तो इनके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, अब वो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है उनके अंदर, ठीक है, समझ गए, जैसे जो वीक हो जाती है चीज़ें, ठीक है, उसको और लोग भी सताते हैं, ठीक है, अब वो रूट्स पहले से वीक हो गई हैं तो उसको और माइक्रोब्स और इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, अब इसके लिए क्या बताया आपको मैंने बेटा कि जो अर्ली इंटरफेरेंस टेक्निक है, ठीक है, अर्ली इंटरफेरेंस टेक्निक मेथड टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, कि जो अर्ली इंटरफेरेंस है इट प्रोवाइड्स सेलुलर डिफेंस, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज को, और इसके उससे क्या होगा बेटा, अर्ली इंटरफेरेंस से जब सेलुलर डिफेंस ही दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये है सिंपली जो अर्ली इंटरफेरेंस होता है इट साइलेंस और ब्लॉक एमआरएनए ऑफ निमेटोड्स, ठीक है, क्योंकि पता है आपको इस चीज का कि निमेटोड्स के अंदर जैसे डीएनए से कन्वर्शन किसमें हो रहा है, एमआरएनए के अंदर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, जब अर्ली इंटरफेरेंस किसको ब्लॉक कर देगा, एमआरएनए को, तो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती निमेटोड्स के अंदर, ठीक है, अब आपको पढ़ना है मेथड्स के बारे में कैसे ये आर्ली इंटरफेरेंस बनता है, ठीक है, सिंपल मेथड है, स्टेप बाय स्टेप आप समझें इस चीज को, ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है, क्या किया है, सबसे पहले इस स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया है, ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्लियर, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इट हैज वन मास्टर स्ट्रैंड्स, सॉरी वन एंटी सेंस स्ट्रैंड्स, अनदर कोडिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है, अब जो ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स होता है, ठीक है, जैसे 3' to 5', 5' to 3', ठीक है, जो फर्स्ट है ये तो क्या अपना टेम्पलेट और पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है, अब क्या होता है बेटा ये जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स है और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे इनटू द होस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है, तो ये क्या बेटा बनाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, इन दिस केस बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स हेल्प टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, वैसे होता क्या बेटा कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना उसका सिर्फ एक स्ट्रैंड्स, वो भी कौन सा, 3' to 5', ठीक है, दैट इज नोन एज पेरेंटल और टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, लेकिन इस मेथड में क्या हो रहा है बेटा कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के 3' to 5' और 5' to 3', ठीक है, दे बोथ एक्ट्स एज ए मास्टर स्ट्रैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी आरएनए, ठीक है, जब ये दोनों ही काम करेंगे एज ए मास्टर स्ट्रैंड्स, ठीक है, तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ट्रांसफर कर दिया बेटा इनटू द होस्ट प्लांट सेल बाय द हेल्प ऑफ एग्रो बैक्टीरियम क्यूमिन
काम क्या होता है एज ए वेक्टर, ठीक है, कि जो ये लिमिटेड स्पेसिफिक जीन्स है इसको बाय द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है, उसके थ्रू बेटा कहाँ भेज दिया है, इन टू दी होस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है। अब पता है आपको जस्ट मैंने कि जब ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, ठीक है, इसमें दोनों स्ट्रैंड्स, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रैंड्स और सेकंड स्ट्रैंड्स, ठीक है, दे बोथ एक्ट्स एज ए पेरेंटल स्ट्रैंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। तो हम देख लीजिए कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या हुआ है, डीएस डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। नाउ बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट्स इनटू डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि दोनों ने काम किया है पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स का, तो क्या बोलेंगे दोनों स्ट्रैंड्स से डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब जो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इट हैज टू स्ट्रैंड्स एंड दिस टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, ठीक है। एक तो क्या है सेंस स्ट्रैंड है, ठीक है, ये नंबर फर्स्ट है, ये तो क्या है सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, सेंस स्ट्रैंड एंड दिस वन इज एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, समझ रहे हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे के। अब क्या होता है, एक एंजाइम है, ठीक है, और उस एंजाइम का नाम है डाइसर, क्या नाम है डाइसर, डाइसर इज ऑल्सो नोन एज आरएनएज थर्ड, ठीक है, कौन सा एंजाइम आरएनएज थर्ड, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका अपना डाइसर। अब क्या होता है बेटा, जो डाइसर एंजाइम होता है ना, इट ब्रेक्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ देता है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं आरएनए के, ठीक है, हालांकि ये भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होते हैं, ठीक है, बने किससे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से, ठीक है, कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के। अब उनका अलग अलग नाम है, ठीक है, जैसे यहां लिख लेता हूं मैं, एक तो बन रहा है एसआई आरएनए एंड अ फुल फॉर्म ऑफ एसआई आरएनए स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, ओके, इट इज एसएच आरएनए, फुल फॉर्म है शॉर्ट हेयर पिन आरएनए, इट इज एमआई आरएनए माइक्रो आरएनए, ओके। दोबारा आप समझे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और लिमिटेड स्पेसिफिक जीन्स इज ट्रांसफर्ड इन टू द होस्ट प्लांट सेल बाय द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वेक्टर, ओके। दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ओके। तो बताया आपको मैंने कि इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए वन एंजाइम एक्ट्स दैट इज कॉल्ड डाइसर और आरएनएज थर्ड टाइप, ओके। दिस डाइसर एंजाइम्स ब्रेक डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जैसे एसआईआरएनए स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए एसएचआरएनए शॉर्ट हेयरपिन आरएनए एंड एमआईआरएनए माइक्रो आरएनए, ओके। अब आप देखें ये बन चुका है, ठीक है, अब जब कभी, ठीक है, नेमेटोड्स इन्फेक्ट करने के लिए आ रहा है इसको, ठीक है, अब क्या है
कि इसके पास दो स्टेंस बताया भी आपको मैंने, ठीक है, एक तो सेंस स्टेंस, दूसरा एंटी सेंस स्टेंस, ठीक है। दूसरा में नोट समझ लीजिए, एक तो पैसेंजर है, एक गाइड है, समझ रहे हो आप उस चीज को, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोल दिया पैसेंजर, पैसेंजर एंड दिस वन इज गाइड, ठीक है। हाँ, अब क्या हो रहा है कि इस निमेटोड्स के अंदर अब हमें यह जानना है कि अर्ली डिफरेंस किस तरह बनता है, ठीक है। अब इस निमेटोड्स के अंदर क्या हो रहा है कि एक एंजाइम हो रहा है यहां पर जिसका नाम है हेलिकेज। क्या नाम है? हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। एंड यू शुड नो दैट व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट रेप्लिकेशन देन आई हैव टोल्ड यू डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। कि जो ये दोनों स्टैंड्स हैं आरएनए के, इनके पीछे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। आपको पता ना कि जो स्टैंड्स हैं दीज स्टैंड्स कंसिस्ट न्यूक्लियोटाइड बेस और नाइट्रोजन बेस, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे अब आरएनए की बात, नाइट्रोजन बेस कौन से होंगे? ए यू सी जी, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है। और इन नाइट्रोजन बेसेस, अब यहां पर भी इस स्टैंड्स के पास नाइट्रोजन बेसेस हैं, दूसरे के पास नाइट्रोजन बेसेस हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है। जैसे एडेनिन बाइंड होता है साथ किसके? यूरेसिल के। साइटोसिन बाइंड्स विद ग्वानिन, पता है ना उस चीज का। अब क्या है कि जो हेलिकेज एंजाइम्स होता है इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो दोनों ये स्टैंड्स क्या होंगे? उसका सेपरेट हो जाते हैं, समझ लो आप उस चीज को, ठीक है। यानी कि पैसेंजर जो स्टैंड्स है वो तो अलग निकल गया और जो गाइड स्टैंड्स है वो अलग निकल गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब ये गाइड स्टैंड्स है, ठीक है, गाइड स्टैंड्स हो गई, और उसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो एंटी सेंस स्टैंड, ठीक है। सेंस स्टैंड, पैसेंजर स्टैंड और गाइड कौन सा? एंटी सेंस स्टैंड, ठीक है। अब आपको यहां पर समझना है अब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। मेन चीज ये है, अब जो ये गाइड स्टैंड्स होता है, इस गाइड स्टैंड्स के पास, ठीक है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। एंड दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज आर्गोनोट। क्या नाम है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का? आर्गोनोट, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स आगे जुड़ जाते हैं एंड द नेम ऑफ दीज एंजाइम्स स्लाइस, ठीक है, समझ रहे हैं कि जो गाइड स्टैंड था एंटी सेंस स्टैंड उसके पास आर्गोनोट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अटैच, ठीक है, एंड सम एंजाइम्स आर आल्सो अटैच ऑन दिस स्ट्रैंड। नाम क्या होगा? स्लाइसर एंजाइम्स, ठीक है, समझ रहे हैं। जब ऐसा होता है तब जाके बनता है बेटा ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया ना। इस कॉम्प्लेक्स को अब मैं नाम दूंगा आरएनए इंटरफेरेंस, या पहले यहां समझ लीजिए रिस्क। क्या नाम दिया? रिस्क, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें हैं? एक तो एंटीसेंस स्टैंड्स है और गाइड स्टैंड्स बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। आर्गोनोट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आगे जुड़ गए हैं और स्लाइसर एंजाइम्स आगे जुड़ गया, ठीक है, और पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। नाम के दर उस कॉम्प्लेक्स को मैंने रिस्क, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं आपको आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, और आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब आपको समझना है कि अभी क्या करेगा आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल सा है बेटा, ठीक है। अभी बन चुका है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। अभी आरएनए इंटरफेरेंस किसको ब्लॉक कर देगा? बता था आपको मैंने कि निमेटोड्स के अंदर जो एमआरएनए होता है, ठीक है, एमआरएनए बनता है डीएनए से बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा ये कहां जुड़ जाएगा? जाके विद एमआरएनए ऑफ निमेटोड्स, ठीक है। और जब ये एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, निमेटोड के एमआरएनए के साथ, तो ये साइलेंस कर देगा किसको बेटा? निमेटोड्स के एमआरएनए को, ठीक है। क्योंकि तो होता क्या है, जो आर्गोनोट होती है ना, ठीक है, आर्गोनोट, ठीक है, वो तो हेल्प करती है फॉर बाइंडिंग,
विद mRNA ये भी तो RNA का स्ट्रैंड है, इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क बेसिस हैं, किसके अगेंस्ट mRNA के अगेंस्ट, समझ लो। तो पहचानने में हेल्प कौन करता है, अब जैसे mRNA है निमेटोड का mRNA, उसके पास जैसे 200 नाइट्रोजन बेसिस हैं और इसके पास बेचारे के पास 20 और 25 नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि पूरा जो 200 नाइट्रोजन बेसिस का जो पूरा एक स्ट्रैंड्स है mRNA स्ट्रैंड्स किसका निमेटोड्स का, तो उस पूरे के पास ही आगे जुड़ जाएगा, नहीं बीच में जुड़ सकता है, आगे जुड़ सकता है, पीछे जुड़ सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे इसके पास 25 नाइट्रोजन बेसिस हैं तो वो 25 नाइट्रोजन बेसिस अपने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस को पहचानेंगे, ठीक है, जो mRNA के पास प्रेजेंट है, ठीक है। हम इसे यहां पर देख लीजिए, ठीक है, जैसे ये था ना बैड स्टैंड और ये पैसेंजर अलग हो जाता है, कोई रोल नहीं था पैसेंजर स्टैंड का, ठीक है, और जो 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 बैड स्टैंड और एंटीसेंस स्टैंड है उसका रोल क्या है, उसके साथ क्या जुड़ गया है, वो आलम का जुड़ गया है और क्या जुड़ गया है, एंजाइम नाम का उसका स्पाइस का एंजाइम, ठीक है। अब ये पूरा क्या बन चुका है, 10 होता है RISE, ठीक है, आर आई डिफरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जो किससे बना है, DNA से, ठीक है, और किसके केस में है ये निमेटोड, ठीक है, वो निमेटोड जो टोबैको प्लांट रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब लेकिन बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये प्लांट्स कैसे बनाए जा चुके हैं, रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए जा चुके हैं, ठीक है, और कैसे बनाए गए थे, ये जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स था उसको ट्रांसफर किया था, उसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से उसके ऊपर काम किया किसने, डाइसर एंजाइम ने, डाइसर ने तीन एंजाइम्स तीन आरएनए बनाए थे, एक तो siRNA, एक miRNA, एक shRNA, ठीक है। जो siRNA था उसके दो स्टैंड थे, वो अंदर एंटर हो चुका है किसकी बॉडी में, निमेटोड्स की बॉडी में, ठीक है, दो स्टैंड से सेंस स्टैंड एंटीसेंस स्टैंड और पैसेंजर और गाइडिंग गन से, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंस तो अलग निकल गया, एंटीसेंस के साथ आर्गेनोड और स्लाइसर आके जुड़ गए, ठीक है, और क्या बन गया, रिस्क कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, निमेटोड्स के अंदर जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल थी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, तो निमेटोड्स में क्या हुआ, डीएनए, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब इस आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंस कॉम्प्लेक्स ने वो जुड़ गया, किसके पास आगे जुड़ गया, जैसे यहां पे जुड़ गया बीच में, ठीक है, ये था, ठीक है, और इसने क्या पहचान लिया, नाइट्रोजन बेसिस, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन बेसिस है उसी कॉम्प्लेक्स में ले गए और आगे जुड़ चुके हैं। जैसे आगे जुड़ जाता है तो क्या करता है, mRNA साइलेंस कर देता है, क्या कर देगा, mRNA को साइलेंस कर देगा, ठीक है। अब इसमें पता था आपको मैंने रोल ऑर्गेनोड का और स्लाइसर का, ठीक है, इसमें क्या ऑर्गेनोड को पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है, कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट नेचुरल बेसिस हैं, ठीक है, उनके साथ की जो ये स्टैंड्स हैं, ठीक है, आरएनए स्टैंड्स, ये भाई ये जाकर बाइंड हो जाए, ठीक है, तो ये मतलब बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। और जो स्लाइसर एंजाइम्स होता है, स्लाइसर एंजाइम्स कट mRNA, किसको कट करता है बेटा, वो mRNA, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर आके जुड़ा नहीं है, ठीक है, और ये सब कट गया है, ठीक है, क्या हो गया, वो कट गया, यानी कि mRNA के फ्रेगमेंट्स बन गए, और फ्रेगमेंट्स किसने बनाया, स्लाइसर एंजाइम से, ठीक है। तो ये था अपना मैकेनिज्म, ठीक है, आर इंटरफ्रेंस जो है कि भी कैसे आर इंटरफ्रेंस काम करता है, ठीक है। और ये अपना एग्जाम्पल था इसका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि इस प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्या किया है साइंटिस्ट ने, ठीक है,
कि जो जीन्स था निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स उसको ट्रांसफर किया था, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करने से अब जो ये प्लांट है ये कैसे बन चुका है, रेजिस्टेंट बन चुका है, ठीक है, समझ रहे। अब इसके अंदर हमें पेस्टिसाइड्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था बेटा पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, समझ रहे आप इस चीज को, ठीक है, कि जब सिंपल आपको ये समझना है इसके अंदर की हुआ क्या था, ठीक है, ये जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को हमने डाला ना, ठीक है, उसने इनिशिएट किया किसको, उसने क्या बनाया, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, ठीक है, शॉर्ट वे में जो आपके पास एनसीटी में लिखी हुई लैंग्वेज है, ठीक है, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनिशिएट आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, एंड आरएनए इंटरफेरेंस बाइंड विद एमआरएनए ऑफ नेमेटोड, ठीक है, व्हेन आरएनए इंटरफेरेंस बाइंड्स with mRNA of nematode, then it prevent, it block or it silence mRNA of nematodes, कि जो nematodes का mRNA होता है उसको RNA interference क्या कर देता है, अपना block कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देता है, fragments में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये था बेटा paste resistant plants के बारे में, okay।